हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर कर दीजिए। आज मैं आपके साथ रिव्यू करने वाली हूँ जैसलमेर के समा डेजर्ट कैंप, इनका नाम है, इनका रिव्यू। तो चलिए जल्दी से अंदर चलते हैं और पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे गाड़ी लाके आपको छोड़ देती है आपकी टैक्सी, उसके बाद आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। और ये है इनका रिसेप्शन वेलकम गेट, ये दिख रहा होगा पधारो सा। और ये है आपका समा डेजर्ट कैंप की एंट्री। ये है सोनू जी और मोनू जी, ये यहाँ पे सब कुछ देखते हैं, यहाँ के ओनर हैं। अब हम बात करेंगे इनसे कि ये क्यों यहाँ पे स्पेशल है, आप यहाँ पे क्यों आके रुके, इस कैंप की खासियत बताएंगे। जी, तो ये अपना समर रिजोर्ट कैंप नाम से अपना रिजोर्ट है। हम यहाँ पे कैमल सफारी, जीप सफारी, जो भी अलग एडवेंचर एक्टिविटीज होती है, वो भी हम यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं। यहाँ पे अपना कैंप है जिसमें थ्री कैटेगरी के रूम है, लाइक ग्रैंड कॉटेज, लग्जरी स्विस टेंट एंड देन डिलक्स स्विस टेंट। इनमें अलग अलग कैटेगरी के रूम है, अलग अलग सुविधाएं हैं इनमें। तो आप हमारे ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो, अपनी जो भी इंक्लूजन एमिनिटीज रहता है वो आप देख सकते हो। एंड आपका इंजॉय जो आप प्लान करके आते हो तो पूरा वर्थ रहेगा। जो भी अपना कॉन्टेक्ट डिटेल्स है वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, आप हमसे बात करके हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे। थैंक यू सो मच। तो देखा, मैंने यहाँ पे आपको इनके ओनर से बात कराई, लिंक हम दे ही देंगे जैसा मैंने इन्होंने आपको बताया, तो आप डायरेक्ट बुकिंग वगैरह कर सकते हो। इसके आगे मैं बता दूँ, ये इनका रिसेप्शन था, वहाँ से एंटर करके हम यहाँ से बाहर आते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे रूम हैं, ये शायद इनके स्टाफ के ही रूम हैं और बहुत ही खूबसूरत है। और ये देखो, ये है डिलक्स टेंट जो आपको दिख रहे हैं, ये वाले, और ये वाले हैं दोस्तों लग्जरी टेंट। इनमें से मेरा भी एक टेंट है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। शाम के टाइम पे यहाँ पे बहुत ही अच्छा कल्चरल प्रोग्राम होता है, आप यहाँ पे उसको बैठ के इंजॉय कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको अपना रूम दिखा देती हूँ। मैं यहाँ से आपको अपना रूम दिखाती हूँ, ये देखिए, अभी जस्ट सामान हमने रखा है, बेहद खूबसूरत है दोस्तों। ये इसका रूफ देखो, इसमें आपको टॉयलेट मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, मतलब स्पेशियस है। आप आओगे तो लगेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा स्पेस है, एक रूम जिस रूम से ज़्यादा आपको होटल के रूम से ज़्यादा स्पेस है इसके अंदर। यहाँ पे आपको कैटल मिल जाती है, कॉफ़ी वगैरह मिलेगी। यहाँ से व्यू दिखा दूँ मैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आ रहा है, सारे दिखाई दे रहे हैं टेंट दूर दूर तक, जितने वाइट वाइट हट से दिखाई दे रही हैं सारे टेंट हैं। और इसका रूफ देख सकते हो आप, बेहद खूबसूरत लग रहा है, मतलब अगर आप यहाँ आ रहे हो तो यहाँ इसमें ज़रूर आना, इसका एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। ये टॉयलेट दिया हुआ है इन्होंने, टॉयलेट में भी काफ़ी स्पेस है, ऐसे नहीं है छोटा सा टॉयलेट है, टॉयलेट भी बहुत बढ़िया है, बहुत सही स्पेस दिया गया उधर नहाने का। इधर पॉट दिया है, वॉश बेसिन दिया है, काफ़ी अच्छा है रूम। है दोस्तों इनका डाइनिंग एरिया, यहाँ पे डाइनिंग, मतलब खाना वगैरह खा सकते हो, डिनर कर सकते हो। यहाँ का कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। भाई साहब का देखिए कैसा कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे, राजस्थानी कॉस्ट्यूम में पूरा आपको ट्रेडिशनल डांस दिखाएगा यहाँ पे। यहाँ पे दोस्तों इनका डाइनिंग हॉल, ये बुफे सिस्टम है यहाँ,
ये खाने में हमको मिला है, देखो ये क्या है भैया, केर सांगरी, ये तो मटर पनीर है शायद, ये मटर पनीर है, और ये मिक्स वेज है। हाँ ये भाई यहाँ की बड़ी फेमस है राजस्थान की गट्टा करी। ये राइस है, ये दाल है और ये बाटी, अच्छा ये बाटी है, ये चूरमा चूरमा, ये चपाती है आपकी और पापड़, यहाँ घी और सैलेड है। तो ये सब है आज के हमारे डिनर में। अब मुझे बहुत तेज लगी है भूख, अब मुझे खाने का मन कर रहा है। सुबह का व्यू देख लो दोस्तों, कुछ इस तरीके का है, आप मतलब धूप सेक सकते हो, ठंड में एकदम मज़ेदार कहीं भी बैठ जाओ, और टेंट कुछ इस तरीके के दिखते हैं सुबह। रात में मैंने आपको दिखाई दिया कि लाइटिंग वगैरह होती है तो और ज़्यादा खूबसूरत लगता है।